पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बार बार हाथ धोना, वॉशरूम में जाना तो कम से कम एक घंटा लगा के आना, चाहे आपने यूरिन पास करने जाना है, स्टूल पास करने जाना है, एक घंटा लगाना। तीन तीन घंटे तक नहाते रहना, बार बार कुंडियां चेक करना, दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स का। मेरे पास एक पेशेंट आता है तो ये थॉट आती है कि गांव के हर बंदे ने उसके साथ सेक्सुअल एक्ट किया हुआ है। ब्लास्फेमस थॉट्स आना, आपको बार बार खुदा के वजूद पे शक आना, वसवसा आना, ये सारी अलामत हैं एक बीमारी की जिसको हम कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बीमारी तकरीबन 100 में से एक लोग होती है। अगर आपको या आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा मरीज है जिसको इस किस्म के अलामत हैं, तो बहुत से लोग समझते हैं कि जो जिन का साया हो गया है, कोई ये खराब हो गया है, बेदीन हो गया है, ऐसी बात। एक बीमारी है जिसमें दिमाग से कुछ केमिकल कम हो जाते हैं, कई दफ़ा कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, और दिमाग के वो हिस्से जो बेचैनी और वसवसे पैदा करते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा है वो दिन में 70-70 दफ़ा हाथ धो रहा है, उसके हाथ सूख के नीचे छिले। एक खातून है जो 6 घंटे दिन के वॉशरूम में बैठी रहती है। सिमिलरली कई दफ़ा ये खाली वसवसों की बीमारी कि आप कोई काम नहीं कर, हर बंदे को देख के आपको ये ख्याल आ रहा है कि ये आपको शायद नुकसान पहुंचा दे, या आप लोगों से छुप रहे हैं कि आपको बेदीनी के वसवसे आ रहे हैं। तो अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को भी ऐसा मसला है तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। ऐसे मरीज को शायद डिप्रेशन हो सकता है, जिंदगी खत्म करने के ख्याल आ सकते हैं, आगे चल के साइकोसिस हो सकता है, हकीकत से रब्ता कट सकता है, जिंदगी रुक सकती है, जिस्मानी नुकसान हो सकता है। एक खातून थी जिसको बार बार वसवसे आ रहे हैं कि उसके न्यू बॉर्न को कोविड हो, और वो एक न्यू बॉर्न बेबी को दिन में 20 दफा नहला रही है, तो बताएं उस बच्चे का कुछ बचेगा? तो करना क्या है कि आपने नजदीक साइकाइट्रिस्ट से रिव्यू करना है, कुछ इलाज दवाइयों से होता है, कुछ बातचीत के जरिए होता है, और दवाइयां भी बहुत तरह की, इसमें स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है। दस में से 6 लोग आम की एक दवाई से ठीक हो जाते हैं, कुछ की बीमारी 5। आजकल हमारे पास सख्त बीमारियों वाले मरीज ज्यादा आते हैं, उसके लिए हमारे पास जदीद तरीका इलाज है जिसे हम CMS कहते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। पाकिस्तान में बहुत कम हो रहा है और हमारे पास तकरीबन 2 साल से हो रहा है। हमारा अपना डाटा है ये OCD और वसवसों से बीमारी के पेशेंट का, जिनकी बहुत सख्त बीमारी थी, 4-6 दवाइयों से भी ठीक हो रही थी, और CNS के 6 वीक के सेशन से एक मैजिकल थी। अगर आपको लगता है कि आपके को ऐसा मरीज है जिसको वसवसों की बीमारी है, तो उससे बेदीन का ठप्पा लगाने के बजाय, उससे जिन भूत का ठप्पा लगाने के बजाय उसे साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं और उसका इलाज करें। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।